दोस्तों, आपने और मैंने, हम सब ने विज्ञान की किताबों में अमीबा के बारे में पढ़ा ही है, जो कि एक कोशीय जीव होता है, यानी कि सिंगल सेल वाला जीव होता है। या यह भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा परजीव है, यानी कि ना तो ये जंतु है, ना ही कवक है और ना ही पादप है। हम सब ये भी जानते हैं कि यह इतना छोटा होता है कि केवल माइक्रोस्कोप से ही इसे देखा जा सकता है। हमने ये भी पढ़ा है कि अमीबा तालाब, झील, पोखर और इंसान के शरीर में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन करके, यानी कि सेल डिविजन करके, ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। आज हम इस अमीबा के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस अमीबा ने अब वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या खतरा है, इससे इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल त्यागी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट। दोस्तों, वैसे तो यह बहुत सूक्ष्म जीव है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये खाना भी खाता है और खाने में ये बैक्टीरिया को खाता है, जीवित या निर्जीव कार्बनिक कणों को भी खाता है। अमीबा खाना खाता है और एक घंटे के अंदर अपना विभाजन करके दो अमीबा में बदल जाता है। इसके मरने का कोई वैज्ञानिक प्रूफ आज तक नहीं मिला है, इसलिए अमीबा एक तरह से एक अमर जीव है और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। चलिए बात करते हैं इससे हमें, यानी कि मानव जाति को क्या खतरा है। तो दोस्तों, सभी प्रकार के जो अमीबा होते हैं वो मनुष्य शरीर में बीमारी पैदा करने वाले होते हैं और मनुष्य की आंत में लगभग 6 प्रकार के अमीबा पाए जाते हैं। लेकिन डराने वाली बात यह है कि केरल में एक ऐसा अमीबा मिला है, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक ऐसा अमीबा मिला है जिसका वैज्ञानिक नाम है नेगलेरिया फाउलेरी, और ये अमीबा मनुष्य के दिमाग को खाता है। ये अमीबा गर्म और ताजे पानी के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे कि तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, उनमें जुलाई से लेकर सितंबर के बीच पैदा होता है। ऐसे पानी में डुबकी लगाने वाले के नाक में घुसकर यह दिमाग तक पहुंच जाता है। नेगलेरिया फाउलेरी से संक्रमित होने पर, इन्फेक्शन होने पर मौत होने की संभावना लगभग 97% होती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यानी बचने के चांस ना के बराबर होते हैं। इस अमीबा के दिमाग में घुसने के कारण प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस नाम का जो संक्रमण है, यानी कि इन्फेक्शन है, वो हो जाता है, जिससे इंसान के दिमाग में सूजन हो जाने से उसकी मौत लगभग तय हो जाती है। केरल में एक 15 साल के बच्चे गुरुदत्त की मौत इसी बीमारी की वजह से हुई है। इस बच्चे को तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद इस दुर्लभ संक्रमण का पता चला है। खतरे वाली बात यह है कि अगर ये इन्फेक्शन फैला तो क्या होगा, क्योंकि विज्ञान के पास फिलहाल इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई इलाज नहीं है और ना ही नजदीक भविष्य में इसका कोई इलाज आने की संभावना है। भगवान ना करे कि ये फैले और करोड़ों लोगों की जान ले ले। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस अमीबा के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।